जय हिंद दोस्तों। वन रैंक वन पेंशन पर बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से निकल कर आ रही है। बता दें कि ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड गवर्नमेंट डिसीजन ऑन वन रैंक वन पेंशन फॉर डिफेंस फोर्सेस। ये कई लगभग 16 तारीख से 11 तारीख से ये रिपोर्ट बनकर आ रही कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर है वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो ये वीडियो, क्या ये रिपोर्ट सही है? इसके आधार पर मैं देखना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट सही है। सबसे पहले बता दें कि ये रिपोर्ट अगर सही होगी तो डेट आपको पता होनी चाहिए कि डेट कौन सी डेट है। तो आप ये देख रहे हैं कि वेडनेसडे 13 जुलाई 2022, ये तो इधर लिखा है क्योंकि 13 जुलाई 2022, लेकिन जब नीचे आएंगे तो नीचे इस रिपोर्ट के नीचे देखेंगे आपको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 17 मार्च 2022, यानी कि 17 मार्च की ये रिपोर्ट है। तो कई सोशल मीडिया में फेक वीडियो बना के बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। तो सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, 11 जुलाई से सुनवाई होनी थी, लेकिन बता दें कि अभी दूसरे काम भी रहते हैं, एक ही पर सीधा नहीं सुनवाई करते हैं अभी। इसके बाद पहले अग्निपथ पर सुनवाई होगी, बाद में इस पर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। तो कब सुनवाई होगी इसकी लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही उसका सुनवाई शुरू होगी उसका डिटेल वीडियो हम बना देंगे। अभी सुनवाई शुरू नहीं हो रही है, 17 मार्च की रिपोर्ट है जिसमें कि वन रैंक वन पेंशन का अपहोल्ड करने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी ये लेटेस्ट न्यूज नहीं है, तो ध्यान रखें। ये जो शुरू में दे देते हैं ये 13 जुलाई 2022, इस पे नहीं जाना है आपको। जब नीचे आनी है रिपोर्ट जो दी होती है उस पे देखना है कि क्या ये सही है कि नहीं है। वन रैंक वन पेंशन पर मैं डिटेल वीडियो बनाते रहता हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे सिपाही से लेके सूबेदार तक का, मैंने अगर वन रैंक वन पेंशन 2 लागू हो गया तो कितनी पेंशन बनेगी उसका मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। जिसने नहीं देखा है वो जरूर देख ले, क्योंकि सभी रैंकों की उसमें पेंशन कितनी बढ़ जाएगी वो मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो सही खबर के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और सही खबर ही मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।